अपकमिंग ये स्कूटर्स जल्द आ रहे हैं। ये पांच दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एथर से लेकर होंडा तक लिस्ट में शामिल। भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री लगातार बढ़ रही है, लिहाजा वाहन निर्माता कंपनियां भी अपने नई ईवी स्कूटर्स को लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में अगर आप नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। आने वाले दिनों में भारत में कई स्कूटर लॉन्च होने वाले हैं। आइए आपको आज भारत में आने वाले सात नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में विस्तार में बताते हैं। इनमें होंडा से लेकर एथका तक शामिल है। टीवीएस इलेक्ट्रिक स्कूटर। टीवीएस जल्द ही एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रही है। लंबे समय से प्रतीक्षित टीवीएस क्यूब एसटी वेरिएंट ई स्कूटर होने की उम्मीद है। यह एक एंट्री लेवल स्कूटर होगा। एथर रिस्ता। एथर ने हाल ही में अपने नए मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर रिस्ता का टीजर जारी किया है। उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर 6 महीने के अंदर लॉन्च हो जाएगी। इसे आधुनिक फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक। होंडा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी पकड़ बनाने की तैयारी में है। कंपनी जल्द ही एक्टिवा का इलेक्ट्रिक संस्करण लाने वाली है। इस स्कूटर को अधिक रेंज और अधिक व्यावहारिक सुविधाओं के साथ पेश किया जाएगा। ओला इलेक्ट्रिक। दिग्गज इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता ओला इलेक्ट्रिक ने एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए पेटेंट दायर किया है। माना जा रहा है कि यह प्राइवेट सेक्टर की बजाय कमर्शियल सेक्टर को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। सुजुकी बर्गमैन इलेक्ट्रिक। सुजुकी ने कुछ महीने पहले जापान ऑटो एक्सपो में अपने इलेक्ट्रिक बर्गमैन स्कूटर को शोकेस किया था। इसे स्वैपेबल बैटरी विकल्प के साथ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के रूप में डिजाइन किया गया है। इस स्कूटर के जल्द लॉन्च होने की संभावना है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।